देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फैज़ अहमद फैज़ इज़ माई मोस्ट फेवरेट पोएट इन द वर्ल्ड, एंड दिस इंक्लूड्स कीट्स, एंड दिस इंक्लूड्स शेक्सपियर, एंड दिस इंक्लूड्स गालिब, एंड ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ पोएट्स. एक बार ऐसा हुआ था कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के दौरान मुझे पता चला कि फैज़ साहब भी वहीं हैं, तो मैं बहुत खुशी से गई उनसे मिलने के लिए. तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा तुम शाम में फिर आओ मुझसे मिलने के लिए. तो मैं फिर गई उनके कमरे में, तो उन्होंने कहा कि कुछ शेर हो गए, लो पढ़ो, बिल्कुल नए हैं. तो मैंने ज़रा सा खिसियाते हुए सर खुजाते हुए कहा, फैज़ चचा मैं उर्दू नहीं पढ़ सकती. तो ही वॉज हॉरिफाइड एंड ही सेड, क्या मतलब है तुम्हारा, नामाकूल है तुम्हारे माँ बाप ये वो. मैंने कहा नहीं, दरअसल ऐसा नहीं. और टू इलेबरेट माई पॉइंट फर्दर, मैंने कहा कि मगर मैं शायरी खूब अच्छी तरह से समझती हूँ और आपकी बहुत बड़ी मद्दा हूँ और आपकी बहुत फ़ैन हूँ, और मैं उर्दू समझती हूँ सिर्फ लिख पढ़ नहीं सकती. आपकी पूरी शायरी मुझे मुँह ज़बानी याद है, जैसे कि और उस वक्त कुछ भी याद नहीं आ रहा था. मैंने कहा जैसे कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है ये धुआँ कहाँ से उठता है. तो उन्होंने कश लेके कहा, भाई वो तो मीर का कलाम है. तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब वो थोड़ी था, मैं ये मतलब फेस्ट बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो नहीं थी. तो उन्होंने अपनी सिगरेट रखी और कान खुजा दिया, कहा देखिए मीर की हद तक तो ठीक था, लेकिन बहादुर शाह जफर को मैं शायर नहीं मानता. एंड आई जस्ट कंप्लीटली डाइड and felt absolutely horrible and went out shamefacedly from his room. और मैंने कहा कि सचमुच समझेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता. और मैं बाहर गई और उनकी तमाम शायरी पट 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 मुझे याद आ गई, लेकिन उस वक्त मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी. दिस इज़ द वन इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ दैट आई विल रिमेंबर फॉर एवर, माई फेवरेट फैज़ अहमद फैज़ स्टोरी. फैज़ चचा हमेशा ये करते थे कि मुझे अपनी गोद में बिठा लेते थे और वहाँ मेरे सर पर थपथपाते हुए अपनी शायरी सुनाते थे. तो ये जो एटमोसफियर है, विच आई थिंक इज रिमार्कबल इन वॉट इट डिड टू मी इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट अ वैल्यू सिस्टम. मुझे एक इंसिडेंट याद है कि अब्बा भी हस्पताल में थे और मामी भी हस्पताल में थी, दोनों मॉस्को में थे. और कुछ ऐसा सिलसिला था कि वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे क्योंकि अलग अलग फ्लोर पे थे. और मामी का ऑपरेशन होने जाना था और अब्बा उन तक पहुँच नहीं सकते थे. तो अब्बा ने एक कागज़ पे कुछ लिखकर मामी को दिया, जबकि वो व्हील हो रही थी ऑपरेशन थिएटर में. और उन्होंने पढ़ के जब देखा तो उस पर लिखा हुआ था, गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त. तो उस नज़्म की इतनी ज़्यादा वैल्यू है मेरी ज़िंदगी में. फैज़ साहब फॉर मी इज़ नॉट मियरली अ पोएट, ही इज़ अ फिलोसोफर, ही इज़ अ गाइड, ही इज़ without even being aware of it, influenced my life in so many different directions and given me so much strength at times when I have felt helpless. So he has a very special place in my heart. Bol ke lab azad hai tere, bol zabaan ab tak teri hai. तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है. बोल देख के आहंगर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन. बोल बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले.